अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैर ऑफिस से होंगे और एक अच्छी लाइफ स्टाइल गुजार रहे होंगे। लेकिन क्या ये आप पाकिस्तान के अंदर रहकर मुमकिन है? तो इसका जवाब है नहीं, लेकिन आपने घबराना नहीं है। आज की इस वीडियो के अंदर हम उन तमाम फैक्टर को स्टडी करेंगे जिनकी वजह से पाकिस्तानी बाहर के ममालिक जाना चाहते हैं और एक अच्छा लाइफ स्टाइल ग्रो अप करना चाहते हैं। वो तमाम फैक्टर्स पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो सकते हैं, अच्छी एजुकेशन का असर होना हो सकता है, एक अच्छा करियर बनाना हो सकता है। उसके अलावा बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पाकिस्तानी बाहर के ममालिक जाना चाहते हैं। इस सर्वे के मुताबिक पिछले साल 1 लाख से ज़्यादा ग्रेजुएट स्टूडेंट्स बाहर के ममालिक चाहते हैं ताकि वो एक अच्छी जॉब को हासिल कर सकें अपनी करियर के पास। आज की वीडियो में हम तमाम फैक्टर्स को स्टडी करेंगे और उनका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टिकटॉक पर फॉलो कीजिए। तो इस वीडियो के अंदर सबसे पहली जो रीज़न है वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। 1947 से लेकर 2023 तक किसी भी एक वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान में 5 साल पूरे नहीं किए। जब भी कोई वज़ीर-ए-आज़म अच्छा परफॉर्मेंस करना शुरू करता है या अवामी मकबूलियत हासिल करना शुरू करता है, पाकिस्तान के जो आर्मी के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो एस्टैब्लिशमेंट का नाम जिनको दिया जाता है, वो उसके अंदर रुकावट बनाना शुरू कर देते हैं। कभी उनको सुप्रीम कोर्ट से डिसक्वालीफाई करवा दिया जाता है या दूसरे लोटो को खरीद कर, लोटो समाज वो लोग जो बिक जाते हैं उनको खरीद कर उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप को हटा दिया जाता है। जैसे कि रिसेंटली एग्जाम्पल इमरान खान और नवाज शरीफ की हमारी तारीख में मिलती है। इस वजह से पाकिस्तान के अंदर कोई भी एक ऐसी गवर्नमेंट नहीं आई जिसको प्रॉपर 5 साल काम करने का मौका दिया जाए कि हम उसको 5 साल बाद हम तनकीद कर सकें कि यार इसको टाइम दिया गया था लेकिन इसका परफॉर्मेंस दिखी। इस वजह से जो मनसूबे बनते हैं, जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं, वो एक गवर्नमेंट शुरू करती है और अगली आप इस पर फर्स्ट स्टेप लगा देती है। जैसे कि पिछले साल इमरान खान ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसके जरिए वो गरीब लोगों को अपना प्रोवाइड किया जाता था। लेकिन जैसे ही नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की हुकूमत है, उन्होंने उस प्रोजेक्ट को फर्स्ट स्टेप लगा दिया। अब इसे गवर्नमेंट ने आगे लैपटॉप को फ्री डिस्ट्रीब्यूटेशन करना शुरू किया है जो कि यूज़ के लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन आई एम श्योर कि जैसे अगली बार जो गवर्नमेंट चेंज होगी वो सबसे पहले आपकी पुराने वाली हुकूमत के प्रोजेक्ट के ऊपर फर्स्ट स्टेप लगा दी। इसकी वजह से क्या होता है, मुल्क में इंस्टेबिलिटी की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है और जो पैसा हमने इन्वेस्टमेंट किया था उस प्रोजेक्ट के ऊपर वो तमाम का तमाम वेस्ट हो जाता है। इस वजह से पाकिस्तान की मेजोरिटी चाहती है कि वो इन तमाम रोलों से निकल के एक बाहर कंट्री जाए जहाँ एक स्टेबल पॉलिटिकल माहौल उनको मिले, जहाँ ना कभी ऐसे वज़ीर-ए-आज़म नाहिल हों, ना कभी ऐसे स्ट्रक्चर के इन्वॉल्वमेंट को देखने को मिले। तो ये सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तानी चाहते हैं कि वो एक अप्रोड के मुल्क शिफ्ट हो जाएँ ताकि वो अपनी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव कर सकें। इसकी दूसरी रीज़न में शामिल है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। पाकिस्तान के जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो इस कदर घटिया तरीन है कि आप उसका इमेजिन नहीं लगा सकते। अगर आपका ताल्लुक किसी लोअर क्लास या मिडिल क्लास तबके से भी है और आप एक प्राइवेट डॉक्टर की फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते और आपको मजबूर में किसी सरकारी हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है तो आपको लाले पड़ जाते हैं। आप कभी नोटिस करें कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर एक डॉक्टर जो बैठा हुआ है वो वहाँ जब कोई मरीज आएगा तो वो कहेगा प्लीज़ सिट डाउन द मैडम, लेकिन सेम ही कोई डॉक्टर अगर वो सरकारी हॉस्पिटल के अंदर तैयार ना तो कहते उसकी एटीट्यूड बिल्कुल डिफरेंट होगा, उसके अंदर आकर बिल्कुल डिफरेंट होगी। अब वो पेशेंट को ऐसे लुक आफ्टर करेगा नहीं जैसे वो अपने प्राइवेट सेक्टर में करता है। आप इस मुल्क के हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मुल्क के जितने भी पुराने उमरा या वज़ीर-ए-आज़म गुजरे हैं वो अपनी अलाश के लिए बाहर के ममालिक जाते हैं। अब उसकी वजह सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बचना हो या कोई और हो, लेकिन वो इलाज के लिए बाहर के मुल्क जाना ही पसंद करते हैं। लेकिन एक गरीब बंदा जिसका ताल्लुक एक मजबूत तबके से है वो इस मुल्क के अंदर आए कि कैसे एक चीज़ की उम्मीद लगा सकते हैं कि उसका इलाज बेहतर होगा या उसकी जान या सेफ्ट है। जो तीसरा पॉइंट है वो है एक अच्छे करियर को फाइंड करना। हर इंसान जब यूनिवर्सिटी में स्टडी हासिल कर रहा था तो उसकी एक ही सोच होती है कि वो इस यूनिवर्सिटी की तालीम के बाद एक अच्छी जॉब पर लगेगा और अपने माँ बाप की अपनी फैमिली को सपोर्ट करेगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या होता है, जब भी एक स्टूडेंट 4 साल की डिग्री करने के बाद ग्रेजुएट होता है तो मार्केट के अंदर इस कदर ज़्यादा टफ कॉम्पिटिशन होता है कि उस मेजोरिटी में सिर्फ एक माइनॉरिटी को जॉब मिलती है और वो जॉब्स का पैमाना भी या तो बहुत ज़्यादा मेरिट होता है या कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज होती हैं जहाँ से वो स्टूडेंट्स को पिक किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर जो कंपनीज है वो जब अपने एम्प्लॉयज को पे करने की बारी आती है तो वो अपना हाथ काफ़ी ज़्यादा क्लोज रखती हैं। इसके मुकाबले बाहर के ममालिक के अंदर कंपनीज जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको उनका हक मिलता है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर एक मजदूर की जो डेली की दिहाड़ी है वो 1000 से 1500 रुपये, जबकि बाहर के ममालिक में एक बर्तन धोने वाली औरत का भी पर घंटे की जो कमाई है वो कम से कम $8 से $10 है। ये डिफरेंट करता है बाई डिफरेंट कंट्रीज़ के, लेकिन अगर आप मिनिमम भी $5 लगा लें वो पाकिस्तानी से 1700 रुपये बनता है एक घंटे का काम करने पर। लेकिन ये आप पूरा 3 व 2 पसीने के अंदर काम करता रहे उसको 10,000 या 1500 रुपये मिलेगा
और वो भी उसको प्रॉपर हक भी नहीं मिलता, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा उसके साथ ज्यादती की जाती है। इसके अलावा अगर हम दूसरे पहलू पर सवाल जाइए, जो आईटी के स्टूडेंट्स हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हैं, वो जब ग्रेजुएशन के बाद जॉब्स के लिए जाते हैं तो उनकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 40 से 45 हज़ार होती है। इसके अलावा डॉक्टर्स की भी सैलरी, आप जब इतने सख्त और इतने सख्त मेहनत के बाद, तलीम हासिल करने के बाद जब जॉब पे जाते हैं और आप वहाँ देखते हैं कि 40 से 45 हज़ार रुपये सैलरी मिली है, जो कि आपकी 5 साल 4 साल की फीस को भी पूरा नहीं कर सकती, तो आप सोचते हैं कि इससे अच्छा है फिर बाहर के मालिक जाकर इसी मेहनत को करें जहाँ कि हमें एक बेहतर अर्निंग मिल सके। और ये सबसे बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से पिछले साल 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने बाहर के मालिक ग्रेजुएट किया और वहाँ जाकर अपने करियर को स्टार्ट किया। ये थी तीसरी वजह। चौथी वजह, पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर हो चुका है। पाकिस्तान में निज़ाम चलाने वाली गवर्नमेंट्स इस कदर लो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आती हैं कि उनके पास कोई प्लान नहीं होता, उनके पास कोई प्रॉब्लम सोल्यूशन वाला टेक्निक नहीं होती, ना कोई फैक्ट्स वगैरह होते हैं जिनका वो मजे नजर रखते हुए कोई प्रोजेक्ट्स बनाएं या कुछ ऐसी चीज़ें बनाएं जो वहाँ के लिए बाकी काम के लिए आए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ जो भी आता है उसको सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब होता है, जब तक कुर्सी होती है आवाम उसके लिए बाप होती है, और जब कुर्सी। अब उसके बाद हम बात करेंगे इन्फ्लेशन की। पाकिस्तान के अंदर जो इन्फ्लेशन रेट है वो इस कदर ज़्यादा हो चुका है कि उसकी जो रेशियो है वो 40% से भी ज़्यादा हो चुकी है, और ये दुनिया के अंदर इस वक्त सबसे ज़्यादा महंगाई वाले ममालिक में से एक मुल्क है। आखिर इन्फ्लेशन की वजह क्या है और इन्फ्लेशन क्यों एग्जिस्ट करती है ममालिक के अंदर? बाकी तमाम ममालिक अंदर जब रमज़ान ममालिक आता है तो बहुत लोग जहाँ के गवर्नमेंट्स जो क्रिश्चियन गवर्नमेंट्स हैं वो अपने मुस्लिम भाइयों का एहसास करते हैं, फिर वहाँ जो चीज़ों का रेट है वो कम कर देते हैं और एक गवर्नमेंट रेट सेट कर देते हैं, उससे ज़्यादा कोई महंगा नहीं मिल सकता। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जहाँ मुसलमान ही हुकूमत के अंदर है, मुसलमान ही मुसलमान से एक चीज़ लेने जा रहा है, वही मुसलमान उसी मुसलमान को रोते ही हालत के अंदर चूना भी लगाएगा, उसके साथ ज्यादा भी करेगा, उसको जो एक रेट 150 रुपए के ऊपर एक पल मिल रहा है वो उसको वही सेम पल 600-500 रुपए किलो पे देगा, और उसके बाद कहेगा कि मैं आज हूँ, अल्लाह हमारी एक बात क्यों नहीं सुनता, अल्लाह हमारे से अज़ाब क्यों नहीं उठाता। ये सबसे बड़ी वजह कि पाकिस्तान के अंदर अगर गवर्नमेंट और पाकिस्तान इन्फ्लेशन के रेट को कम कर सके और गरीबों को एक बेटर लाइफ स्टाइल मुहैया कर सकते तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी तादाद अब्रॉड जाने से रुक जाएगी। लेकिन हमारी गवर्नमेंट को सिर्फ एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है, वो है कुर्सी। जब तक वो गवर्नमेंट के अंदर होंगे उनको कोई फ़र्क नहीं कि वहाँ क्या चाहती है, वहाँ की क्या मर्जी है, लेकिन जैसे वो गवर्नमेंट के अंदर से बाहर होंगे उनके लिए वहाँ बाप बन जाती है। वो वहाँ से लिखे रहते हैं कि कभी समान पाक पहुँचा तो कभी वहाँ ये शरीफा पहुँचाओ, हमारे पीछे लग जाओ। अब हम बात करते हैं इनके सोल्यूशन के बारे में। सबसे पहली प्रॉब्लम थी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। पाकिस्तान के जो सुप्रीम कोर्ट है उसको चाहिए कि एक ऐसा आर्टिकल पेश करे जिसके वजह से एस्टेब्लिशमेंट का और ब्यूरोक्रेट का प्रॉपर तौर पर दाखिला बंद कर दिया जाए मुल्क की सियासत के अंदर, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को खुद भी चाहिए कि वो मुल्क की सियासत के अंदर आना जाना बंद कर दे। अगर किसी तरह इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को स्टेबलाइज कर दिया जाए और पॉलिटिकल इश्यूज के अंदर एस्टेब्लिशमेंट और आर्मी को बिल्कुल अलहदा कर दिया जाए, वो सुप्रीम कोर्ट को भी अलहदा कर दिया जाए, तो एक होप की जा सकती है कि मुल्क के अंदर जो बेहतरी आ सके। उसके अलावा कोई एक कॉमन मैन को भी इन बड़ी सीट्स के ऊपर आ जाए एज प्राइम मिनिस्टर एज प्रेसिडेंट। लेकिन हम देखते हैं कि जो मरूसियत का निशान है फॉर एग्जाम्पल पीटीआई है तो उसमें हमेशा इमरान खान ही वजह बनना है, अगर PMLN है तो उसके अंदर नवाज शरीफ मरियम नवाज या शहबाज शरीफ ने हमेशा प्राइम मिनिस्टर बनना है। तो इन चीज़ों को अगर कदम करने की कोशिश की जाए और किसी आम इंसान को कोशिश की जाए कि उसको मौका दिया जाए तो हो सकता है इस मुल्क के हालात बेहतर हों, पाकिस्तान की मेजोरिटी रुक जाए तारीख मालिक चाहने से, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा मुमकिन नहीं है। इसी वजह से पाकिस्तान अभी भी बाकी दुनिया से 50 से 60 साल पीछे जा रहा है, लेकिन अगर हम आज से इस चेंज की तरफ प्रोग्रेस करें तो उम्मीद की जा सकती है आने वाले सालों में पाकिस्तान के अंदर कोई बेहतरी आ जाए। दूसरा फैक्टर था हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को अच्छा करना। अगर पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल का मेयार अच्छा बनाया जाए और वहाँ जो डॉक्टर्स होते हैं उनको कहा जाए कि आप इन मरीजों को ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे आप इनको प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर देते हैं, या डॉक्टर्स की सैलरी को इंक्रीज़ किया जाए ताकि वो अपनी प्राइवेट जॉब को छोड़कर फुल टाइम यहाँ काम करना शुरू कर दें, तो हो सकता है कि इस मुल्क के अंदर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी अच्छी हो जाएँ। और इसी तरह कुछ 5-6 ऐसे हॉस्पिटल भी बनाए जाएँ हर इलाके के अंदर जहाँ जो अच्छे डॉक्टर्स हों और जो गरीब है वहाँ में वो अपना बेहतर इलाज वहाँ जाते हुए अपने आप को सेफ फील करें। तीसरा फैक्टर था बेटर करियर चूज़ करना। पाकिस्तान के अंदर जो आईटी कंपनी है जो दूसरी कंपनी है वो एज़ कम्पेयर टू इंडिया या बाकी ममालिक से बहुत ज़्यादा कम है। अगर इंडिया के अंदर इस वक्त 40 लाख आईटी कंपनीज काम कर रही हैं तो पाकिस्तान के अंदर उसके पास सिर्फ 25 हज़ार है,
जो कि बहुत सारा गैप है, इसके वजह से पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक बहुत सारा कॉम्पिटिशन फील करना पड़ता है जब वो ग्रेजुएट होकर यूनिवर्सिटी। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे फेसबुक वगैरह इंस्टाग्राम ट्विटर वगैरह पर फॉलो कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे जल्द से जल्द पहुँचें। तब तक अल्लाह।